वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं और करीम सर आप लोगों के लिए पोटेशियम परमैंगनेट लेके आए हैं। आज हम लोग आपको पोटेशियम परमैंगनेट के यूसेज बताएंगे कि इसके क्या फायदे होते हैं और इसे तलाव में कैसे यूज करना है। सर ये अभी देखो सर, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके जो हम तालाब में इस्तेमाल करते हो ये भी थोड़ा बैक्टीरियल को किल करने के लिए भी यूज़ होगा। ओके। तो और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा सर। अच्छा। ये जो हम तालाब में अप्लाई करते हो दो तरीके से यूजर्स होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए और लाइटली बैक्टीरिया भी किल करेगा। तो इसमें हर महीने में जो बैक्टीरिया नहीं बढ़ना चाहते हो आप, तो 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करो इसको। ओके। और महीने में दो बार। अच्छा। तो इसका डोसेज होता है, इसको एक एकड़ का एक केजी सर, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए एक एकड़ का एक केजी। मछलियाँ पानी में हो या ना हो? हाँ सर, नहीं हो या नहीं हो, सेम डोज रहेगा, सेम डोज होगा। ओके। प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो सर, इसकी वजह से अभी बैक्टीरिया भी खिल हो जाएगा ना सर। ओके। और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। बराबर। तो इसका टाइम कुछ भी नहीं है, अगर ऑक्सीजन पर्पस हुआ तो इसका डोसेज है 200-300 ग्राम भी लग सकता है सर। अच्छा। क्योंकि आप पहले मैं बता दिया हूँ 1 केजी, तो अभी 200 ग्राम भी डाल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल गया, भरपूर मिल गया, तो मच्छी नीचे चल जाती है। अच्छा। बस स्टॉप कर दो, पीपी मत देना। अच्छा। अगर नहीं जाए 1 केजी तक मिनिमम, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ सर आपको, तो एक क्वांटिटी ऐसा होता है। अच्छा। और ऐसा इस्तेमाल करो महीने में दो बार, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगी सर। दो यूजर्स है इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग डेटॉल यूज़ करते हैं ना, जब हम लोगों को कुछ लग जाए या हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग डेटॉल यूज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मछलियों का डेटॉल है, और हम लोग तो तालाब में ऐसे यूज़ करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आए। अच्छा। अगर हमारे पास कोई दवा ना हो या कुछ भी हमारे पास कोई सलूशन ना हो, किसी से कोई राय मशवरा नहीं मिल रही हो, तो सबसे पहले हम लोग पोटैश डाल देते हैं सर। अभी देखो जो हैचरी टेक्नीशियन रहते हैं, तो वो अंदर जाने से कोई बाहर घूम के दूसरे एरिया में जो घूम के आते हो, तो उनके पैर में जो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो हार्मफुल, जो नर्सरी में एंटर नहीं होने चाहिए, तो इसलिए एक बायोसिक्योरिटी के हिसाब से पोटाशियम परमैंगनेट और हाथ और तो गमशू रहते उसमें भी, उसमें डिप करके तो एंटर होना पड़ेगा। अच्छा। तो और कभी भी जो व्हीकल हो, जिस इन्फेक्ट के हिसाब से सर, तो व्हीकल भी जो एंटर होती है, व्हीकल भी जो पीपी से हम उसको पूरा वॉश करने के बाद वो एंटर होता है सर। अच्छा। ऐसा जो केयर लेते हैं वो बायोसिक्योरिटी के हिसाब में। और करीम सर, मैं किसी से मतलब सुना था मैंने, और हम लोग एक बार तालाब पे अपने यूज ऐसा किए भी थे। हाँ, कि मछलियों को जब स्किन का कोई डिजीज होता है। हाँ, सर। तो पोटैश में अगर उसको डिप करके निकालो तो सॉल्व होने का चांस रहता है, ऐसा कुछ सही बात है ये? हाँ, हम लोगों ने एक बार ऐसा तालाब पे किए थे अपने, कर सकते हैं सर। जो कुछ भी मछली हो, रूपचंद हो, स्किन इन्फेक्शन हो, उसको डिप मेथड कहा जाता है सर। तो उसको जो एक अभी मैं 20 लीटर या 30 लीटर जो टब में पानी डालो, उसमें 10 ग्राम या 20 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट डालने के बाद पानी लाल हो जाता है, और उसमें जो मछलियों को डिप करो ऐसा। अच्छा। ऐसा डिप करके जो तालाब में ऐसा डालो, थोड़ा तालाब में भी डालना पड़ेगा सर पीपी, क्योंकि जो तालाब में जो पोटाशियम परमैंगनेट डालते हो वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद हम पे थोड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो मच्छी थका हुई आती है ट्रैवल करके, तो उसमें जो एकदम जो हमारे तालाब में पड़ जाएगी उसमें ऑक्सीजन का दिक्कत ना हो। अगर उसमें ये पोटाशियम परमैंगनेट डालने से तालाब में भी आपका ऑक्सीजन मेंटेन होगा। ओके। तो मच्छी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथड है जो मछलियों को डिप करते हैं ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हानिकारक नहीं है? हानिकारक नहीं है सर, इसमें हानिकारक नहीं है। तो पोटाशियम परमैंगनेट में ऐसे डिप करो, 20 लीटर पानी डालो, और या 10 ग्राम या 20 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट डालो। Okay. डालने के बाद उसमें डिप करके तालाब में ऐसा डाल दो। अच्छा। और तालाब में भी थोड़ा 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। वैसे पोटाशियम परमैंगनेट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर आपको आपके लोकली परचेस करना है तो लोकली भी आपके आसपास के किसी मेडिकल में, आपके आसपास के किसी शॉप में आपको ये मिल जाएगा। पर इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, पोटाशियम परमैंगनेट चाहे आप बायोफ्लॉक में भी क्यों ना कर रहे हो, बायोफ्लॉक में भी इसे यूज़ कर सकते हैं ना? यूज़ कर सकते हो सर। जी हाँ, जो मैंने उनसे बात किया था तो आफ्ताब सर भी बता रहे थे कि जो फिश विज्ञान वाले आफ्ताब सर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बता रहे थे कि बायोफ्लॉक में भी इसे बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सिर्फ KMnO4 यूज़ करना है, दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको किसान लाल दवा भी बोलते हैं। लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, उसका लाइफ अधिक नहीं होता है, और वो ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया को या फंगस को ऑक्सीडाइज करके वो ख़त्म हो जाता है, उसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है, तो बाद में फ्लॉक पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ सर, वो PPM के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो सर। थोड़ा पानी लाल दिखेगा सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा।
पोटेशियम परमैंगनेट ये क्रिस्टल टाइप आता है, ये तो क्रिस्टल है हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये क्रिस्टल है। इसके अलावा पाउडर भी आता है, पाउडर थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन आपको अगर फिश फार्मिंग में आप यूज़ करें तो क्रिस्टल ज़्यादा रिकमेंडेड है, पाउडर से ज़्यादा इफेक्टिव क्रिस्टल होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल फीड वाले को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और भी प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे जो आपको फिश फार्मिंग में बहुत ही यूज़फुल होंगे और आपकी मछलियाँ उससे सेफ रहेगी। थैंक यू सर।